हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आप लोग के लिए यहाँ पर काफी बड़े डॉक्यूमेंट आ चुकी है फ्रॉम द कैबिनेट टीम। कैबिनेट टीम की तरफ से तीन डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए आ रही है, ठीक है। दो में आपका डायट एचआर राउंड देखने को मिलेगा और एक में आपको डायट टेस्ट के मेल देखने को मिलेगा, जो कि आपका सुपरफिट का हेयरिंग है, जिसमें कि आपको फिर कैबिनेट फाइनेंस असेसमेंट का मेल देखने को मिलेगा। और दो जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक में आपको एचआर राउंड मेल देखने को मिलेगा आइदर और एल्स दे विल सेंड यू यू हैव बीन रिटर्न इनटू रिक्रूटिंग कैंडिडेट डेटाबेस, ठीक है। तो आप लोग तीनों में ही अप्लाई कर सकते हो। एक बार क्रेडिट के बारे में बात करेंगे और जो तीन ओपनिंग है तीनों का ही मैं आपको देने वाला हूँ डायरेक्ट अप्लाई लिंक, ठीक है, इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग किसी भी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ब्रांच से हो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए 20, 21, 22, 23 एंड 24 बैच वाले, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। ज्वाइनिंग भी आपका इमीडिएटली देखने को मिलेगा, सैलरी भी काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए फिर करते वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट टीम से जो रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए आ रही है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट फ्रॉम द कैबिनेट ऑफिशियल करियर पेज ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर एटिकल एंड एरोस्पेस 2023-2024। ग्रेजुएट वालों के लिए काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है, जिसमें क्या रोल होने वाला है, एनालिस्ट का, लोकेशन बैंगलोर का रहने वाला है, जिसमें बीबीटेक के अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन एरोनॉटिक्स एरोस्पेस वाले। और आगे बात करते हैं दो राउंड का असेसमेंट आपका होने वाला, असेसमेंट वन आपका होने वाला इंग्लिश प्लस इंग्लिश एमसीक्यू प्लस कॉग्निटिव, जिसमें एडिशनल कैंडिडेट असेसमेंट क्लियरेंस डिपेंड ऑन द स्कोर ऑफ ईच मॉड्यूल। देन आफ्टर आपका जो असेसमेंट टू होगा वो है टेक्निकल इंटरव्यू। आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, फिर आप आ जाएंगे उनके ऑफिशियल करियर सुपर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको बताया गया है सैलरी फॉर एलपीए 4.25 पर होने वाले, 25,000 को वन टाइम इंसेंटिव को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप लोग मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका हायरिंग पर फ्लो होने वाला है, एप्लीकेशन देने से शॉर्ट लिस्टिंग देने ऑनलाइन टेस्ट डेटा इंटरव्यू देने आपका ऑफर लेटर रिलीज होने वाला है। दो ओपनिंग है, एक आपका ओपनिंग है जो आप देखा सकते हो टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जावा सिस्टम का रिक्रूटमेंट, इसके अलावा जीरा गिट एंड किसी भी गूगल सर्च करके थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लेना, उसके बाद ही आप लोग प्रोफाइल में अप्लाई करें, डायरेक्टली मत अप्लाई करें तो कोई रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। मेक श्योर करना आपके रिज्यूमे में ये सारे स्किल्स मेंशन होना चाहिए, जो भी उन्होंने स्किल्स को बता रखा है कि हाँ ये स्किल्स का इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये आपका लोकेशन होने वाला पुणे का, ठीक है। एक और आपका रिक्वायरमेंट है जो कि आप है एप्लीकेशन डेवलपर का रिक्वायरमेंट, इसमें भी अप्लाई करना काफी सिंपल है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को या फिर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी बताया गया है कुछ आपका स्किल्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाना तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तीनों का ही लिंक दे दूंगा, 1, 2, 3 आप लोग अप्लाई करना। और कहीं कोई भी डाउट है पूछ लेना। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं छोटे में, जय हिंद जय भारत।